चौमासी से कितना टाइम इस रास्ते में लगता है? खाया लिया बल अंग में भी जाती। और गुप्त काल से ये पूरी काली मठ बेल्ट है। किसी जमाने में यहाँ पे कुछ गोपनीय शर्तें रखी जाती थी, इनको छूते ही केदार वैली है। और यहाँ से ये देख सकते हैं तबाही का मंजर। कभी यहाँ पे तो छोटे छोटे कुंभ हुआ करते थे। रास्ता आप देख सकते हैं, अब ऐसे बनाया जा रहा है रास्ता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तिंदोरी। दोस्तों आज मैं आपको चौमासी से केदारनाथ लिए चल रहा हूँ। कुछ दिनों पहले जब केदारनाथ में बहुत ज्यादा जलजला आ गया था, तो इसी वाले रास्ते से लगभग 1500 से और 2000 लोग सुरक्षित बचकर आए हैं। तो मैं आज आपको डीपली एक्सप्लोर करने वाला हूँ। चौमासी गांव कालीमठ घाटी का अंतिम गांव है और यहां आने के लिए गुप्त काशी से कनेक्टिविटी है। गुप्त काशी से मात्र 23 किलोमीटर दूर चौमासी गांव है और यहां से आगे चौमासी गांव का नित्र मोहल्ला। गाड़ी यहां आगे तक जाती है और यहां से जो पैदल सफर होता है वो शुरू हो जाता है और चलते हैं यहां से रेखाधार होते हुए रामबाड़ा और केदारनाथ की तरफ। यह हमारा निप्तर गांव और निप्तर हमारे गांव का ही रेवेन्यू विलेज है और यहीं से जो रास्ता है वो श्री केदारनाथ के लिए और रामबाड़ा के लिए शुरू हो जाता है। यह हमारा निप्तर गांव है, निप्तर गांव का छोटा निप्तर। ये सामने पे खुड़मा, छोटा खुड़मा, बड़ा खुड़मा और बड़े खुड़मा से होकर कला चौरी के बाद पयालू के बाद द्यूली तप्पड़, ये लास्ट में द्यूली तप्पड़ दिखाई दे रहा है। अभी हम पूरी इसी पैच से ऊपर जाने वाले हैं। चौमासी गांव से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर हम आगे हैं और यहां खुड़मा नामक जगह है। चौमासी गांव से हमने यह सफर 7:30 बजे सुबह शुरू किया है और अब देखते हैं कितना टाइम इस रास्ते में लगता है। तो आप बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए और यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं और वो भी इस वाले रास्ते से अगर आप आना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, अभी जहां हम पहुंचे हुए हैं यहां पे हैं पयालू नामक हमारी छानिया और यहां पे हमारी बाबा जी रहती हैं, इनका मोरड़ा है यहां पे। और जब केदारनाथ से लोग आ रहे थे तो भूखे प्यासे लोग आ रहे थे, तो बाबा जी ने यहां पे उनको बहुत सेवा भक्ति की, उनको खाना खिलाया, यहीं सुलाया। बाबा कत आदमी में झा मां पे कत कत रहनी हो तुम तो गड़ी यार, और है ना 17 आदमी हो बाहर और 14 आदमी दिन हो खाना खड़ा है। 17 आदमी आपने अच्छा मतलब उनी जानी लग्या रेन की जानी लग्या सी ये हुए, पर जो मेरा असली है नहीं मोस मेरा नाते का करते से मैं इथा खलाए। अच्छा अच्छा। और तब सुबह 6:30 बजे मतलब 13 दिन तक 6:30 बजे के अगर अच्छा अच्छा बस रात में 102 आदमी मेरे नाती भी दगड़ा में घर गई। अच्छा अच्छा। और 13-14 आदमी वहाँ ही रहे। 14 आदमी अकबर सुबह गए। हाँ तो 6:30 बजे। अब देखो बाबा बता रहे हैं कि ऊपर से एक दिन 150 आदमी आए, उनमें से 100 नीचे गए और 14-15 लोग यहीं रहे। इनके पास जो थक गए होंगे पिलाया सुबह, तब घास के लिए बन में तब जाए, जब चाय चूरी पिलाया तब मीन बोल तुम जाओ अब आराम से मिलते बन जाए। मीन गया लिया क्यों खाया लिया बल अंग में भी दिए लिए संग में चले। कोई बात नहीं, अनपढ़ आदमी है, सरकार ने मेरी भी व्यवस्था कराया, मेरे भी नाम चल गए तो कोई बात नहीं, बढ़े हुए मेरी पीढ़ी के नाम गए ना। मेरे नाम नहीं गया, मेरी पीढ़ी का नाम, उन्होंने होरों का नाम क्यों नहीं गया। सही बात। तो देखो अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे छानियाँ नहीं होती तो लोग बहुत परेशान रहते हैं और छानियों में सारा नीचे देखो ना, यहाँ पे जो भी आता है राशन पानी सब घर से लाना पड़ता है पीठ में। और यहाँ पे फिर भी बाबा ने इतने लोगों की सेवा भक्ति की और यहाँ पे थोड़ा फोटो वगैरह खींचने का हम लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए, इसलिए इनका वीडियो उस टाइम पे नहीं बना पाए। मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी बाबा जी हैं इन्होंने इतनी ज़्यादा सेवा की है इतने लोगों को, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मगर फिर भी जो लोग गए हैं उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा की। बाबा जी धन्य हैं आप और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप ऐसे ही आपका परिवार फले फूले और ऐसे ही जो भी लोग जो भी लोग यहाँ से आते रहेंगे आप उनका सहारा यहाँ पे गए गए दुनिया की दुनिया गई मैंने क्या किया। हाँ बाबा की उम्र पता कितनी है? 70 साल में भी, ये देखो 70 साल में भी यहाँ पे इतनी सेवा की है। बहुत बहुत धन्य है ना अब ना चाय ना अब चल बाबा। और अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे और आगे की लोकेशन पे आपको लिए चलते हैं।
ओ ओ बाबा भारत माता की वंदे मातरम भारत माता की जय जय बाबा केदार जय बाबा केदार। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं देव वाटिका देवली खर्क यानी देवली तप्पड़ में और यहां पे कुछ दिन पहले से जो टेंट है आने जाने वालों के लिए रहने के लिए यह टेंट यहां पे लगाया गया है। यहां से आप नीचे का यह पैस देख सकते हैं। यहां पे गुप्तकाशी है और गुप्तकाशी से ये पूरी कालीमठ बेल्ट है और कालीमठ से चौमासी गांव होते हुए यह काफी सुरक्षित पैच है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि जैसे ही हम चौमासी गांव से आगे निकलते हैं तो हमें अपना सारा कुछ मटेरियल साथ में लेके चलना पड़ता है क्योंकि जो ये रास्ता है ये एक वैकल्पिक रास्ता है और यह मात्र स्थानीय लोगों के आने जाने के लिए खाम और केदार के लिए पहले यूज किया जाता था। अभी हालांकि इसमें केदारनाथ से जो लोग बस के केदारनाथ में अभी ट्रेजेडी में बस गए थे वो सारे लोग इसी रास्ते से वापस आए हैं तो इस रास्ते की काफ़ी वैल्यू बढ़ गई है। आने वाले टाइम में भी यह रास्ता काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। तो वाकई में दोस्तों जो इस रूट की सबसे थकाऊ वाली चढ़ाई है वो है लाखा वाली चढ़ाई और यह चढ़ाई लगभग 300 मीटर इतनी खड़ी है नीचे से और ठीक यहाँ ऊपर तक पूरा पसीना पसीना हो जाता है पूरा शरीर। लाखा की चढ़ाई में ऐसे लगती हैं ये सीढ़ियाँ जैसे स्वर्ग सीढ़ियाँ लगी हों स्वर्ग जाने के लिए। यहाँ देखिए और ऐसे ही है ये लाखा टॉप। और किसी ज़माने में यहाँ पे कुछ गोपनीय शर्तें रखी जाती थी मगर वो कैमरे में बोलूँगा नहीं मैं, मगर उसके पीछे भी कुछ कहानी है उसको शायद आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बाद में डीपली बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों चौमासी से 6 किलोमीटर आने के बाद हम पहुंच गए हैं छिपी खर्क में। यहाँ से खाम वैली वाला पैच शुरू हो जाता है और जो खूबसूरती है वो यहाँ से कुछ अलग ही देखने को मिलती है। हालांकि अभी ऊपर ऊपर फॉग आ रखा है और ठीक जो ये चोटी दिखाई दे रही है ये है रेखा पीक और इसी पीक को रास्ता सबमिट होता है। हालांकि अभी जो ये रास्ता है जो रास्ता थोड़ा लंबा है और जो भविष्य में आने वाले भविष्य में जो रास्ता बनेगा वह काफ़ी शॉर्ट बनेगा और वह रास्ता इस रेखा खर्क से होकर के और सीधे ऊपर जहाँ पे यह पीक दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जो ये वाला पीक दिखाई दे रहा है बीच में तो यहाँ पे सबमिट होगा। इसी जगह से केदार वैली के खूबसूरत से व्यू दिखाई देने लग जाते हैं। छिपी खर्क के बाद यह खूबसूरत सी लोकेशन दिखाई दे रही है। यह है लेनोना खर्क और ये देख रहे हैं आप ये है छुई मुई के फूल और इनको ऐसे छूते हैं ना ये देखिए ये ऐसे फट से इनको छूते ही ये फट जाते हैं। ये देखिए ये ऐसे इसको बोलते हैं हमारे यहाँ छुई मुई। और जब मस्से मुस्से होते हैं ना अगर हाथों पे अगर किसी भी आदमी पे मस्से होते हैं ना छोटे छोटे ये मस्सों की सबसे बेस्ट दवाई है। ये खूबसूरत जो बेल्ट है ये पूरी खाम वैली की बेल्ट है पूरा पैच खाम वैली में आता है और यहाँ से आगे की ब्यूटी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। आगे से ही एक रास्ता मरणा माता के लिए भी जाता है वो बार बार हर वीडियो में मैं बताते रहता हूँ आपको। मरणा माता और केदारनाथ के लिए
आगे से ही ट्रैक जाता है। इस वीडियो में मैं आपको रेक आधार होते हुए और रामबाड़ा लिए चल रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो अभी टफ है, उसमें जाना मुश्किल है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रेका पीक में। इन दोनों में मात्र इतना डिफरेंट है, ये इधर साइड को रेका खाम वैली है और इधर को केदार वैली है, और यहां से ये रास्ता आगे जाता है। थोड़ा आगे से एक ट्रैक रूट है, वो सीधे केदारनाथ की साइड जाता है, और दूसरा एक रास्ता नीचे को उतरता है, यहां से कांचुला के खर्क होते हुए रामबाड़ा जाता है। अभी यहां आते आते सब जगह से जो कोहरा है, धुंध है, वो बहुत छा गई है, इस वजह से जो विजिबिलिटी है ना यहाँ की, वो थोड़ा सा कम दिखने में थोड़ा कम लग रही है। और अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे के भी आपको व्यू दिखा देते हैं, आगे के रास्ते के बारे में भी बता देते हैं। भयंकर कीचड़ हो रखा है इस रास्ते में, पूरे रास्ते में ना जैसे हम डाउन जा रहे हैं ना, इतना ज्यादा कीचड़ है, यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ देखिए इतना भयंकर भयंकर, यहाँ देखिए यहाँ तो आदमी भी डूब जाएंगे। तो चलिए दोस्तों रामबाड़ा के बहुत करीब पहुंच गए हैं हम लोग, और ये देख सकते हैं तबाही का मंजर जो इस वैली में हुआ था वो दिखना यहाँ से शुरू हो गया है। और ये सामने देखिए ये भीमली के ऊपर में यहाँ भी बादल फटा, और इस पैच पे आगे में भी यहाँ पे भी बादल फटा, ये रामबाड़ा के बीच में है, और आगे भी पूरा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रामबाड़ा में, मेन रास्ते से हमने सबमिट कर दिया है। यह चौमासी से यह ट्रैक सुबह 7 बजे हम लोग ने शुरू किया था, धीरे धीरे करके कछुआ गति में हमने इसको यहां पे सबमिट कर दिया है। और अब यहां से आगे आपको दिखाते हैं 31 जुलाई की जो आपदा आई थी, भयंकर सी वाली आपदा, उसमें आपको दिखाते हैं केदार घाटी के जो भयंकर से मंजर। यहाँ सामने देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ऊपर से आ रखा है, यहाँ ऊपर में बादल फटा, वहाँ से नीचे आया, और सामने पे कुछ 2-3 दुकानें भी थी, वो दुकानें भी सब जब सब डैमेज हो गई हैं, पूरी बह गई हैं। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं भीमबली में भी ऊपर से पूरा फ्लैट आके नीचे पूरा रास्ता डैमेज हो गया है। जहां तक भी नज़र पड़ रही है पूरे रास्ते में सुनसान सुनसपाटा ही छाया हुआ है, जैसे कि मानो कि ऐसे लग रहा है जैसे कि ऑफ सीजन हो गया हो, यात्रा बंद हो गई हो, सब जगह ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। और आगे आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, हालांकि अभी अंधेरा हो गया है, आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में अधिक से अधिक कवरेज हो। यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े बोल्डर आए थे सड़क पे, ये देखिए दोस्तों ये है रामबाड़ा, और रामबाड़ा में आप देख सकते हैं स्थिति कैसी हो रखी है। यहाँ सामने पे देखिए, यहाँ से रामबाड़ा शुरू होता था, यहाँ पे पुल बनाया हुआ था, वो भी डैमेज हो चुका है इस फ्लड की जद में, नीचे बह चुका है। और यहाँ देखिए रामबाड़ा का पूरा अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। और यहाँ नीचे में देखिए, कभी यहाँ पे तो छोटे छोटे पुल हुआ करते थे, मगर आज देखिए पुलों का तो अस्तित्व ही मिट गया है, बस जो इधर उधर से पिलर हैं दो छोटे छोटे वही बचे हुए हैं पार्क की साइड से, इधर साइड से तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये देखिए, यहाँ देखिए ये मंजर हो रखा है इस केदार वैली का और रामबाड़ा से ऊपर का, आप देख सकते हैं। हालांकि लाइटें रास्ते में जली हुई हैं, मगर पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ देखो सारी दुकानें बंद हो गई हैं, लोग सब घर के लिए गए हैं, 2-4 लोग यहाँ सामने पे हैं, ये होंगे कोई थोड़े थोड़े वाले या SDRF PRT वाले कोई होंगे, बाकी यहाँ देखिए इतना खौफ हो गया लोगों में। यहाँ देखिए इतने भयंकर भयंकर बॉर्डर आए, और यहाँ देखिए इस दुकान को, इसके अंदर देखिए पूरी डैमेज हो गई है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक दुकान दबी हुई है, यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े बोर्डर आए ना, तो इनके नीचे तो
सब कुछ दब नहीं था। ये देखिए रास्ता आप देख सकते हैं, अब जाके कुछ थोड़ा थोड़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि उस वाले पैंस पे भी आप देखिए खतरनाक सा फ्लड आया है ऊपर से, और इसमें सारा अपने आप घुसने भी आया। यहाँ से रास्ता हो गया, जो भी था रेलिंग हो गया, सब कुछ देखिए यहाँ इतने लंबे लंबे पाइप तार देखिए, यहाँ केबल देखिए, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यहाँ देखिए अब देखिए, अब ऐसे बनाया जा रहा है रास्ता, इतना छोटा सा होगा, बस एक बार में जाना, एक बार में एक आदमी आना, एक बार में एक आदमी जाना, ऐसा ही होगा उस रास्ते का। यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ छोटी लेन चुली यहाँ से शुरू होती है, और छोटी लेन चुली का बेस है यहाँ पे, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी रास्ता पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, हालांकि आजकल फिर से लग गया है। और आप इस आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे देखते, यहाँ देखिए यहाँ पे अभी बहुत सारी दुकानें थी, यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी बहुत सारी, और ये देखिए सारी दुकानें इस प्रकार से टूट गई हैं नीचे, और यहाँ नीचे देखिए तो दुकानों का प्लास्टिक वगैरह वो ऐसे लटक रखा है नीचे। तो देखिए दोस्तों, अभी रात के लगभग 7:30 हो गए हैं, 7:30 बजे तक हम लोग चौमासी से छोटी लिंचोली पहुँच गए हैं, और अब इससे आगे का जो भी हालचाल, इससे आगे का हालचाल जो रास्ते का और यहाँ से भी केदारनाथ का जो हालचाल है वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी रात हो गया है और मुझे भी आज यहीं रुकना है। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।